हेलो स्टूडेंट्स, आज का डिस्कशन का टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स। तो सबसे पहले फ्रॉम हेलो एरेंज। हेलो एरेंज मतलब एराइल ग्रुप में कोई भी हेलोजन जुड़ा है उसको हम बोलेंगे हेलो एरेंज कंपाउंड। ठीक है, जैसे कि ये बेंजीन रिंग है और बेंजीन में होता है सीएल, ये हेलो एरिन हो गया। कभी अभी एरिन्स आपसे पूछ दिया जाए, नॉर्मली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छा है, पीसा बेस्ड। व्हाट आर एरिन? एरिन क्या होते हैं? एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं जिसमें अल्टरनेट डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड हो। फॉर एग्जाम्पल बेंजीन और बेंजीन के जो भी भाई बंधु हैं जैसे नेफ्थलीन, फिनेथ्रीन, एंथ्रेसीन, ये सभी क्या है? एरिन्स है। तो सिंपल एराइल ग्रुप क्या है? बेंजीन का एच निकाल दो और उसके बाद जो बचा ये वाला, ठीक है, एच निकाल दिया तो यहाँ पे एक बॉन्ड खाली हो गया, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं C6H5, ये एराइल ग्रुप हो गया। या किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में से एच निकाल देंगे और जो एक्टिव ग्रुप बचेगा दैट इज एराइल ग्रुप। तो एराइल ग्रुप क्या है, एरिन्स क्या है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो हेलो एरिन्स मतलब एरिन में हेलोजन जुड़ा हुआ। नाउ इसका क्या हो गया? क्लोरो बेंजीन। क्लोरो बेंजीन की अगर हम रिएक्शन करवाएं NaOH से, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चे, इसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखना है। टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। 263 केल्विन टेम्परेचर एंड 320 ATM प्रेशर, ये बहुत जरूरी है लिखना। अगर आपने ये नहीं लिखा तो आपकी रिएक्शन गलत मानी जाएगी। इस सेम रिएक्शन लिखने पर आपको जीरो नंबर मिलेगा। कारण क्या होता है? क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होती है। अभी क्या बनेगा? अभी बनेगा OH प्लस NaCl। बल्कि अगर हम इसको दो स्टेप में लिखना चाहें रिएक्शन को, थोड़ा मैं दो ही स्टेप में लिख रही हूँ कि अगर कभी कंप्लीशन करने के लिए आ जाए तो, पहले स्टेप में बनेगा ओ एन ए, ठीक है, और हम इसको थोड़ा सा ऐसे लिख दें तो और अच्छा हो जाएगा, एन ए ओ एच। तो फर्स्ट स्टेप में बनेगा आपका ओ एन ए, देन सेकेंड स्टेप में इसी की रिएक्शन होगी एच सी एल से। तो बनेगा H। प्लस NaCl। और यहां पर देखिए Cl हटेगा और ONa ये वाला पार्ट जुड़ेगा, ठीक है, तो Cl हटेगा तो यहां पे निकलेगा क्या? माइनस एच सी एल, जो
ठीक है, यही HCl ONH रिएक्शन करके OH और NaCl बनाएगा। ठीक है, तो दो स्टेप में ये रिएक्शन होगी। नॉर्मली आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, डायरेक्ट डायरेक्ट मैंने जान के नहीं लिखी थी, कि कभी अगर आपको दिक्कत हो तो सिंपली आप इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, NaOH 623 केल्विन, एंड प्रेशर आप नीचे भी लिख सकते थे 380 एम, चाहे ऊपर लिखे, कहीं भी लिखे, ऊपर भी लिख सकते हैं नीचे भी। ऊपर लिखेंगे तो कॉमा लगा देंगे इस तरह से, तो इसी को हम ऊपर इस तरह से कॉमा लगा करके लिख सकते हैं। तो बनेगा आपका OH प्लस NaCl। तो आप डायरेक्ट भी बना सकते हो रिएक्शन को, ठीक है, इस तरीके से भी आपको लिखना आना चाहिए, इस तरीके से भी लिखना आना चाहिए। अब रिएक्शन कभी कभी कंप्लीट करने के लिए आती है ये वाली, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, आपको ध्यान देनी है जो मैं समझाने जा रही हूँ आपको। ये रिएक्शन ऐसे भी पूछी जाती है कि कंप्लीट द रिएक्शन, तो यहाँ पे दे दिया आपको Cl प्लस NaOH। आपका जवाब यहाँ पे क्या होगा? आप सोच रहे होंगे कि हम ये OH और NaCl लिख दें, बट इस कंडीशन में यहाँ जवाब होगा नो रिएक्शन। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ एरो पर कोई कंडीशन नहीं लिखी है, और नॉर्मल कंडीशन में ये रिएक्शन नहीं होगी, ड्रास्टिक कंडीशन में हो रही है। ड्रास्टिक कंडीशन में 623 केल्विन टेम्परेचर एंड 320 प्रेशर, प्रेशर भी लगाया जा रहा है, टेम्परेचर भी लगाया जा रहा है, तब ये रिएक्शन हो रही है, यानी क्लोरो ग्रुप तब सब्स्टिट्यूट हो रहा है यहाँ पर। नॉर्मली नहीं होगा, ये हाइड्रोलिसिस ऑफ एराइल हैलाइड नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता है। ठीक है, तो एराइल हैलाइड, ये एराइल हैलाइड है ना, एराइल हैलाइड कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड इन नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो आपको ध्यान देना होगा ये रिएक्शन कन्वर्जन में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अगर आपके पास एराइल हैलाइड है तो आप डायरेक्ट उससे फिनॉल बना सकते हैं, ये फिनॉल हुआ, ठीक है, और ये क्लोरोबेंजीन, यानी आप क्लोरोबेंजीन को डायरेक्ट फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते कि आपने एरो पर 623 केल्विन और 320 एटीएम लिखा हो। अगर आपने ये चीज नहीं लिखी है तो आपको यही रिएक्शन बिना ये कंडीशन लिखे हुए अगर आपने लिख दी तो आपको 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये रिएक्शन कंप्लीट करने के लिए भी आती है, और ये रिएक्शन कन्वर्जन में भी यूज होती है। आपको ये बहुत सावधानी से याद करना है, समझना है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, समझ चुके, फिर भी मैं बता रही हूँ आपको, इसकी जगह अगर अल्काइल हैलाइड होता तो ये रिएक्शन बड़ी इजीली हो जाती। सपोज यहाँ पर CH3Cl होता एंड NaOH होता तो ये रिएक्शन इजीली हो जाती, यानी यहाँ क्या बन जाता, CH3OH हो जाता प्लस NaCl बन जाता इजीली बिना किसी कंडीशन के। बट इस केस में यहाँ पर हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर चाहिए। कारण भी पूछा जाता है, कारण क्या है? क्योंकि इसमें रेजोनेंस होता है, क्लोरोबेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, तो इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग से रेजोनेंस करते हैं, तो यहाँ पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। डबल बॉन्ड करेक्टर के कारण ये सी सी एल बॉन्ड कैसा हो जाता है, स्ट्रोंगर हो जाता है, ड्यू टू पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। और वो आता क्यों है, दैट पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर डेवलप्स ड्यू टू रेजोनेंस ऑफ सीएल एंड बेंजीन। सीएल से एक लोन पेयर यहाँ पर आएगा और यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है रीजनिंग में, कि एराइल हैलाइड को इजीली हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता है नॉर्मल कंडीशंस में, लेकिन अल्काइल हैलाइड इजीली हाइड्रोलाइज हो सकते हैं। यह कहा जा सकता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एराइल हैलाइड इज इजी, बट अल्काइल, ये सॉरी एराइल, मैंने गलत बोल दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्काइल हैलाइड इज इजियर या कैन टेक प्लेस इजिली, बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ एराइल हैलाइड कैन नॉट टेक प्लेस नॉर्मल कंडीशन। इन नॉर्मल कंडीशंस एराइल हैलाइड का
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। इस रिएक्शन में है क्या, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही तो हो रहा है, ओ एच माइनस सी एल माइनस को रिप्लेस कर रहा है, तो ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो बहुत अच्छे से याद करिए, यहाँ नोट कर लीजिए कि अल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। अल्काइल हैलाइड कैन टेक प्लेस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजिली, बट एराइल हैलाइड कैन नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कारण क्या है, सी सी एल बॉन्ड का पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, बिकॉज लोन पेयर ऑफ क्लोरीन इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग। तो उस समय जब आप ये रीजन देंगे तो आपको साथ में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ सी ये क्लोरोबेंजीन के भी बनाने पड़ेंगे। तो फिलहाल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नहीं डिस्कस कर रही हूँ, बट आपको बता दिया जब इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप ध्यान रखें, कन्वर्जन में इस रिएक्शन को यूज करें तो रिएक्शन कंडीशन लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वहां पे आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो ये ए प्लस ग्रेड की रिएक्शन है, क्योंकि कन्वर्जन में हमको डायरेक्ट फिनॉल मिल रहा है क्लोरोबेंजीन से, नहीं तो हमें इधर उधर से घूम करके लंबे स्टेप्स बनाने पड़ेंगे तब हम फिनॉल बना सकते हैं। सो इम्पोर्टेंट तो है ये कन्वर्जन में, बट रिएक्शन कंडीशन लिख कर ही आप इसको यूज करेंगे। देन नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है, बेंजीन के ऊपर SO3H लगा हुआ आता है, और ये आता कैसे है SO3H ग्रुप, बेंजीन बेंजीन का हम अगर ओलियम से रिएक्शन करवाएं, ओलियम मतलब होता है H2S2O7, ओलियम से जब बेंजीन की रिएक्शन कराते हैं तो इस पर SO3H ग्रुप जुड़ जाता है, तो ये बन गया आपका बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड की जब रिएक्शन करवाते हैं बच्चों NaOH से, तो ये SO3H ग्रुप हट जाएगा, यहाँ से O Na ग्रुप ये वाला जुड़ेगा, ठीक है, O Na ग्रुप जुड़ेगा, तो ये हो जाएगा O N। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है H प्लस, तो H प्लस की रिएक्शन जब करवाएंगे तो ये हमें मिल जाएगा, ठीक है, यानी बेंजीन का हमने ओलियम से रिएक्शन कराया तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को NaOH से रिएक्शन करा दिया तो O Na एंड देन H प्लस से रिएक्शन करा दिया तो हमें ये फिनॉल मिल जाएगा। देन नेक्स्ट है फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट, तो हम डाइजोनियम साल्ट से भी रिएक्शन इसको ले सकते हैं, है नंबर दो। देन नंबर तीन है प्रिपरेशन फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। डाइजोनियम साल्ट आपने पढ़ा होगा C6H5N2Cl, तो डाइजोनियम साल्ट के सिंपल हाइड्रोलिसिस करा देते हैं तब भी बन जाता है, और या फिर पहली बात तो ये हुआ कि डाइजोनियम साल्ट कैसे बनता है, NH2 अमीन होता है, एनिलीन है ये, देख लीजिए ध्यान से, एनिलीन की अगर रिएक्शन करा दे HNO2 से H273 to 278 केल्विन, तो ये बनेगा N2Cl, ठीक है, SNO2 अथवा यहाँ पर हो सकता है NaNO2 प्लस HCl, दोनों में से एक ही बात लिखोगे, दोनों नहीं लिखोगे जब आप यूज करोगे इसको, तो ये बना, इसका नाम है डाइजोनियम साल्ट, ठीक है। हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट हम बनाएंगे कैसे फिनोल, तो
ये जो रिएक्शन है जिसमें हमने एनिलीन से डाइजोनियम साल्ट बनाया है, ये यहाँ से यहाँ तक की रिएक्शन, इस रिएक्शन का नाम है बच्चों डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। डाई एजोटाइजेशन ये नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है डाई एजोटाइजेशन। इसलिए हमने आपको पहले डाइजोनियम साल्ट बनाना बताया कि डाइजोनियम साल्ट बनता कैसे है। जिस रिएक्शन में डाइजोनियम साल्ट बनता है, इस रिएक्शन का नाम है डाई एजोटाइजेशन। इतनी रिएक्शन कहलाई डाई एजोटाइजेशन। अब इसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो वो प्रिपरेशन है इसकी, फिनॉल की। तो N2Cl को सिंपल H2O के साथ वार्म कर देंगे तो ये बन जाएगा फिनॉल प्लस N2 प्लस HCl। ठीक है बच्चों, तो ये प्रिपरेशन हो गई फ्रॉम डाइजोनियम साल्ट। देन नेक्स्ट प्रिपरेशन है फ्रॉम क्यूमिन। ये सीधा सीधा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यूमिन कैसे बनाते हैं हम फिनॉल से, सॉरी क्यूमिन से फिनॉल कैसे बनाते हैं, ऐसे कभी कभी सीधा क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि राइट द कन्वर्जन फ्रॉम क्यूमिन टू फिनॉल, ये भी कन्वर्जन पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट है नंबर 4 फ्रॉम क्यूमिन। ठीक है, तो क्यूमिन का फॉर्मूला बच्चों याद नहीं रहता एकदम, मुझे तो एकदम याद नहीं रहता है। हम इस रिएक्शन को उल्टी तरफ से शुरू करते हैं, देखिए कैसे। आप बना रहे हैं फिनॉल, तो फिनॉल फिनॉल के साथ इसमें एक साइड प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है कि एसीटोन, CH3CO CH3, ये साइड प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, हम ये बना रहे हैं क्यूमिन से, क्यूमिन का फॉर्मूला याद नहीं रहता है, तो क्यूमिन का फॉर्मूला क्या है, हम इन दोनों से निकाल के बनाएंगे। ठीक है, कैसे बनाएंगे, इतना याद रखो कि फिनॉल प्लस एसीटोन बनता है, तो फिनॉल प्लस एसीटोन बना दिया। अब ये देखो कि सीओ की जगह अगर हम एच कर दें और उसको यहाँ पे लगा दें बेंजीन पर, कैसे, इस तरह से, देखिए ध्यान से, बेंजीन का ओएच अभी नहीं लगा रहे, मतलब इस पे ओएच नहीं लगा रहे फिनॉल का, सिर्फ बेंजीन रिंग, और यहाँ पे क्या लिया, इसकी जगह सी एच करके इसको यहाँ पे अटैच कर दिया बेंजीन रिंग से, CH3CH3, ये है क्यूमिन। ठीक है, इसका आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप इजीली इसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा क्यूमिन का क्या है, बेंजीन के ऊपर आपने क्या लगाया है, CH CH3 CH3, कहाँ से, ये आपको ध्यान करो कि जब फिर क्यूमिन से फिनॉल बनाते हैं, क्यूमिन से फिनॉल बनाते हैं तो फिनॉल प्लस एसीटोन साइड प्रोडक्ट भी बनता है। तो इन दोनों को मिलाकर के हम क्यूमिन का फॉर्मूला बना लेंगे, कैसे, इसका ओएच हटा दिया, इसमें एच जोड़ करके इसको यहाँ लिख दिया, ये क्यूमिन बन गया। अब ये पक्का याद है, मैं कभी नहीं भूलती हूँ, आप भी कभी नहीं भूलेंगे क्यूमिन का फॉर्मूला। इसका ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन से। तो जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो दो ऑक्सीजन ये सीएच के बीच में घुसा करके बना दो, बस हो गया, ध्यान देना, CH3 CH3। ठीक है, ऑक्सीडेशन किया आपने, रिएक्शन करवाए किससे, O2 से। ठीक है, तो ये जो दो ऑक्सीजन है ये कहाँ कर दो, सी और एच के बीच में घुसा दो, O O एंड H। ठीक है, अब इसकी जब आप H प्लस से रिएक्शन करवाएंगे तो वो प्रोडक्ट मिल जाएंगे, देखिए ध्यान से, इस रिएक्शन को थोड़ा आप ऐसे भी लिख सकते थे, O2 O2 एक दो आपने यहाँ पर घुसा दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, H प्लस की रिएक्शन होगी और H2O, क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, H प्लस और H2O की रिएक्शन से ये जो है CH3 CO, मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड ऑक्सीजन अपना यहाँ का इलेक्ट्रॉन पेयर ले करके कार्बन के साथ शेयर कर लेगा,
और ये कार्बन का बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पर ये OH आकर के जुड़ जाएगा, तो ये बना फिनोल और ये निकल गया CH3 CH3 CO, वो अलग बन गया, ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्यूमिन से फिनॉल बनाने की।